तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं एक्सेल में। अब फॉर्मेटिंग का पार्ट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट का लुक जो है फॉर्मेटिंग डिसाइड करता है कि कैसा दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, समझे जी। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ कुछ रिपोर्ट दिखाऊं, जैसे मैं ह्यूमन सोर्स रिपोर्ट ही दिखाता हूँ, अब ये रिपोर्ट देखिए, इसमें फॉर्मूला वगैरह तो लगा हुआ है क्या सर, जी। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी ऐसे दिख रहा है क्या, ये जो देख रहे हैं कलर फॉर्मेटिंग क्या है, कलर किया हुआ है, अलाइन किया हुआ है, बॉर्डर शोर्डर लगाया हुआ है, इस तरह की जो फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है, दैट इज अ फॉर्मेटिंग। जी ठीक है, देखा। तो इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग में अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अतिक्रम है, क्योंकि तो नॉर्मल हम जो कलर लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, यही चीज इसी चीज को थोड़ा सा घुमा फिरा के किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कलर दिया, अब मुझे इसका शैडो चाहिए, समझे जी। तो शैडो के लिए हमने हल्की कलर यहाँ से लिया, इसको हल्का सा छोटा कर दिया, अब मैं ग्रे लाइन में आता हूँ, यहाँ एक फॉर्मूला में लेआउट में ग्रे लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, हल्का शैडो लग रहा है ना जी। तो इसी तरह की चीजें यूज की जाती है, तो अपने एक्सेल में हम इसी तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए कि मैंने इसको मर्ज कर दिया और इस पे आपको कलर अप्लाई करना, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में चला गया और फॉर्मेट सेल में हमने यहाँ फिल के अंदर हमने मान लीजिए कि फिल इफेक्ट में यहाँ पे आ जाइए, ये आपका फॉर्म सेंटर, जी। इस तरह की कलरिंग वगैरह करने का यूज करते हैं, ये चीजें तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई टिग्राम नहीं है, ओके जी। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ थोड़ी सी ट्रिक्स, कुछ ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जिसके लिए एक्सेल में कुछ ऐसा ऑप्शन होता नहीं है, तो उन ऑप्शंस को कैसे यूज किया जाए ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि हम लोग डेट लिखते हैं, तो हमने टेंथ लिखा तो टेंथ हमारा नीचे हो गया, हम चाहते हैं कि मेरा जो टेंथ है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो हमने इसमें सेलेक्ट किया और यहाँ हमारे सामने आता है सुपरस्क्रिप्ट, तो उसके पर इस पर क्लिक किया और हमने ओके कर दिया, तो देखिए टीएच ऊपर चला गया, टेंथ हो गया, टीएच हमारा ऊपर चला गया। ऐसे मैंने 10 डिग्री करना है तो हमने स्मॉल ओ लिखा और इस स्मॉल ओ को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में गए और इस पे हमने क्लिक कर दिया सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके, 10 डिग्री हो गया। 10 स्क्वायर करना है तो 102,
अब इस टू को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसमें हमारे सामने आता है सुपर स्क्रिप्ट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करते हैं, ये आपका हट जाएगा। हटने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट जो है वो इस पे काम नहीं करता है। किस पे काम नहीं करता? नंबर्स पे काम नहीं करता जी। तो हमें नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? सिंगल कोट लगाइए, ये आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे राइट क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट सेल, और यहां हमने सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी हाँ सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। तो आपके जा रहे सामने 102 आ गया सर जी। ऐसे मैंने मान लीजिए 10 H2O लिखना है, H2O। अब 2 को मुझे नीचे की तरफ करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ होता है, सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ। ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इस नंबर्स को अगर आपको पेन को पेपर पे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे ना, ड्रैग करके इसको हमने क्रॉस कर दिया क्रॉस। लेकिन ये तो हमारा एक्सेल का टूल्स है ना, करेक्ट। लेकिन वीवी एक्सेल में कैसे करें भाई, फॉर्मेट सेल में जाके स्क्रैच शो हो जाती है? नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं है, लेकिन हम इसके थोड़ा सा ट्रिक्स अपनाते हैं। क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे चले जाएंगे, और इसके बॉर्डर पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे इधर से और इधर से, ठीक है? ओके, गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया। इसके कलर भी चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर दीजिए। सही का निशान लगाना है तो कस्टम, सॉरी इसमें मान लीजिए बॉर्डर, और इसी को ले लीजिए, और ये No. Oh, sorry sir, mute हो गया था, पता नहीं चला। ये समझ में आ गया आपको सर? ये सब समझ में आ गया। लेकिन ये जो है सर आपका, ये आपका जस्ट व्यू के लिए है या प्रिंट के लिए? अब इस पे आप कंडीशन नहीं लगा सकते। आप बोलेंगे मैं इस पे कंडीशन लगा दूं, तो ये कंडीशन इस पे नहीं लगेगा। कंडीशन ना लगने के पीछे रीजन क्या है? कंडीशन ना लगने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये फॉर्मेट है, समझे? करेक्ट।
और फॉर्मेट में आपका कंडीशन नहीं लगता, फॉर्मेट को कोई फॉर्मूला रीड नहीं करता है, ठीक है। जी। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मैं फिल्टर कंडीशन वगैरह सब कुछ लगा सकूं, तो मैं यहाँ पे कैप्स में जे को नहीं, कैप्स में यहाँ पे पी लिखूंगा कैप्स में, और एक फॉन्ट होता है हमारे पास, बाइंडिंग टू का ए अप्लाई कर दीजिए। ये क्या करता है कि पी को, पी जो होता है उस पी को कन्वर्ट कर देता है टिक मार्क, ओके, पी को कन्वर्ट कर देता है टिक मार्क में, और क्रॉस के लिए ओ ले लीजिए कैप्स में, क्या लीजिए सर ओ, तो ए विजुअल आपका दिख रहा है ऐसा, और एक्चुअल में ये हमारा पी है, ये हमारा ओ है, यहां देखिए इस पे आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं पी और ओ का, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने तो फॉन्ट अप्लाई किया हुआ है जी, और जो फॉन्ट होता है वो होता है पार्ट ऑफ विंडो, एक्सेल का कोई रोल उसमें नहीं जी। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फॉन्ट है उस फॉन्ट के अंदर, आपकी जो फॉन्ट है उस फॉन्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि ए फॉन्ट बाइंडिंग टू का फॉन्ट अवेलेबल ना हो आपकी जो रिलीज है उस रिलीज में, या फिर आप विंडो डालते समय करप्ट हो गया हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जी। तो आप चाहते हैं कि कोई और तरीका होना चाहिए, एक तरीका हम और यूज करते हैं, एक तरीका हम और यूज करते हैं, वो कौन सा तरीका है हम आपको बताते हैं। तरीका है कि हम यहां कैप्स में जे को लिखते हैं, ठीक है, कैप्स में जे को लिखते हैं, और यहां अलाइनमेंट में इसको -45 डिग्री के एंगल में, 44 डिग्री के एंगल में इसको चेंज कर देते हैं, देन हो गया सर। क्रॉस के लिए एक्स्ट्रा है जी। अब यहाँ पे एक और सवाल उठ के आता है कि ये जो अभी रोटेशन हमने किया है, इस रोटेशन का यही यूज है या इसके अलावा भी कोई और यूज करते हैं जी? क्या आइडिया नहीं सर, आइडिया नहीं है नहीं। चलिए हम आपको आइडिया देते हैं कि उसका और क्या यूज होता है। और जो यूज हम करते हैं इसके लिए हमें छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि हम अटेंडेंस बना रहे हैं, ठीक है, हमने यहां पे नेम दिया पूजा, नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया, तक हमने कर दिया, हमने चेंज कर दी, इसमें हमारा जस्ट टीपी का प्रेजेंट है, प्रेजेंट एब्सेंट मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर में दिया हुआ है, हमने फिल कर दिया, इसको पूरे सीट को सिलेक्ट करके मैंने इसको डबल क्लिक किया और पूरे सीट को हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, और इसकी बॉर्डर भी दे देते हैं,
अब ये हमारा एक प्रिंट पे प्रिंट नहीं होगा, मैं कंट्रोल पी करके प्रिंट ले रहा हूँ, तो नहीं होगा। यहाँ पे हमारे सामने मार्जिन है, मार्जिन हम सेट कर लिया, पोर्ट्रेट है उसको लैंडस्केप कर दिया, फिर भी अब हमारा 15 तक ही आया। अब मैं इसको इतना छोटा तो नहीं निकल सकता, छोटा इतना मुझे विजुअल भी होना चाहिए क्या? अच्छा तो आप डेटा में देख रहे हो कि मेरा डेटा में सब कुछ ठीक है, सिर्फ हमारा हेडिंग बड़ा है। क्या समझे? जी, डेटा तो हमारा ठीक है, जस्ट उसका हेडिंग बड़ा हेडिंग बड़ा है। है। तो क्या करें इसके लिए? ये वही अलाइनमेंट। तो इसके लिए हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ अलाइनमेंट भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे, और इसको सिलेक्ट किया और इस पे हमने डबल क्लिक करके इसको ऑटो फिट कर दिया। जी हो गया ना सर? अब इजीली एक पिन पे प्रिंट होगा। जी ओके। जी सर अब सर